दोस्तों कार चलाना सीखना है और आप सोच रहे हो कि किसी को पैसे देके और कार चलाना सीख जाएं, ड्राइविंग स्कूल वाले के पास जाके कार चलाना सीख जाएं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। कुछ भी नहीं सिखाएंगे आपको, थोड़ा बहुत चलाना सिखा देंगे और जब भी आप अकेले चलाओगे तो उतना का उतना ही डर लगेगा, बिल्कुल चला ही नहीं पाओगे। खुद से कार चलाना सीखो। आज के इस 10-12 मिनट का जो वीडियो है, इसको देखने के बाद आप अच्छे से गाड़ी चलाना सीख जाओगे। दोस्तों कैसे तो गियर लगाना है, कैसे एबीसी चलाना है, एबीसी का मतलब होता है एक्सीलेटर ब्रेक एंड क्लच, कैसे उनको चलाना है। कंपनी की तरफ से ही बिल्कुल रूल बने हुए होते हैं, जब गाड़ी आती है तो उसमें 5% रेस आगे से आती है, तो आपको रेस को दबाना ही नहीं होगा और आराम से गाड़ी चला लोगे, ठुकने की बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। सारी नॉलेज आपको दूंगा मैं, कैसे आप कार चलाना घर से सीख सकते हैं, किसी की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों कार तो ऐसे भी नहीं है कि इधर और उधर गिरेगी, बाइक में तो फिर भी डर रहता है कि हम इधर गिर जाएंगे उधर गिर जाएंगे, कार में तो चार टांगे होती है, चार पहिए होते हैं, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। तो इस वीडियो में बने रहिए, A to Z सारी चीज बताऊंगा मैं इस वीडियो को देखने के बाद, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी और आप आराम से कार चलाना सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिए और मेरे साथ देखिए कि कैसे आज अपन कार चलाना सीखते हैं। दोस्तों कार चलाने से पहले हमें 5 चीजों का ध्यान रखना होगा, 5 पॉइंट आपको बता देता हूं, उसमें आप परफेक्टली कार चलाना सीख जाओगे। पहला तो ये है, देखो सीट को एडजस्ट करना, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, कितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको सीट को एडजस्ट कर लेना है ताकि आप आराम से कंफर्ट होके बैठ सके। तो ये पहला पॉइंट है। और फिर चाबी लगाना सीखना है कि चाबी को कैसे तो लगाया जाता है और कैसे मूव किया जाता है। तो ये है नंबर 1 पॉइंट। अब आते हैं नंबर 2 पॉइंट पर। तो जो सेकंड वाला हमारा जो पॉइंट है वो है गियर कैसे लगाएं, गियर कैसे लगाएं और जो हैंड ब्रेक है उसको कैसे रिलीज करें, उसको कैसे छोड़ें। तो देखिए हैंड ब्रेक कई बार हम दबाते हैं और नीचे की तरफ जोर लगाते हैं पर ऐसे नहीं खुलता ये, पहले इसको ऊपर की तरफ खींचोगे आप। हैंड ब्रेक लगा हुआ है उसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, पहले ऊपर खींचा मैंने फिर दबाया इसको और फिर छोड़ दिया, तो ये हैंड ब्रेक खुल गया। अब जब भी आप हैंड ब्रेक हटाओगे तो ध्यान रखना बीच का जो ब्रेक है नीचे उसको जरूर दबाना है। कई बार क्या है कि ढाल पे खड़ी रहती है गाड़ी तो पीछे लुढ़कने लग जाती है, जो जब भी हैंड ब्रेक हटाओ तो बीच का ब्रेक लगा दो। ये हो गई हैंड ब्रेक हटाने वाली बात। अब उसके बाद गियर की प्रैक्टिस कैसे करोगे आप, तो देखो ये गियर है, इसमें 1 2 3 4 5 पांच गियर है और ये रिवर्स है। तो ये देखो ये अभी खाली है, जैसे इसमें ड्राइंग हो रखी है जैसे, वैसे ही इसमें हमें काम करना है। जैसे अभी बीच वाली लाइन में तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहता है तब गियर ऐसे हिलता है। देखो आपको ये 10-15 मिनट अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लेनी है बंद गाड़ी में ही कि ये न्यूट्रल है। अब फर्स्ट लगाएंगे तो फर्स्ट कहाँ है, उधर जाके ऊपर की तरफ करेंगे तो फर्स्ट लग जाएगा। तो हमने उधर जाके ऊपर की तरफ किया तो ये फर्स्ट लग गया। फर्स्ट लगने के बाद जब आप फर्स्ट लगा दोगे फिर ऐसे हिलाओगे तो इतना हिलेगा नहीं है, टाइट हो जाएगा कि ये फर्स्ट गियर में है। अब आपको सेकंड लगाना है तो ये फर्स्ट से निकले, ये वापस न्यूट्रल हो गया और ये यहाँ पे सेकंड है तो ये सेकंड लग गया। अब थर्ड लगाना होगा तो यहाँ न्यूट्रल करे, ये न्यूट्रल हो गया। अब जहाँ छोड़ रखे हैं वहाँ पे जस्ट ऊपर ये थर्ड लग गया, उसके बाद ये फिर न्यूट्रल हो गया, जहाँ छोड़ रखे हैं नीचे फोर्थ लग गया, चौथा लग गया एंड लास्ट पांचवा कहाँ लगेगा, इसको इधर दबा के ऊपर की तरफ करना है तो ये पांचवा लग जाएगा। और रिवर्स कैसे लगेगा, देखो रिवर्स लगाने के लिए इधर करे और नीचे की तरफ करते ये रिवर्स लग जाएगा। तो ये प्रैक्टिस पहले आप 10-20-30 बार पहले कर लोगे बंद गाड़ी में ही, बार 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 करते रहोगे ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। कई बार क्या करते हैं हम आगे देखने की जगह नीचे देख के गियर लगाते हैं तो आगे गाड़ी ठुक जाती है। तो ये खड़ी गाड़ी में आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है इस चीज का, गियर का, कि गियर कैसे लगते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ABC, एक्सीलेटर ब्रेक एंड क्लिच, तो उसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये है ABC, ए से एक्सीलेटर, बी से ब्रेक, सी से क्लच, ABC। ये जो एक्सीलेटर है ये है गाड़ी को भगाने के लिए, ये है ब्रेक रोकने के लिए और ये क्लच है गियर चेंज करने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं फाइनली। जब भी आप गाड़ी चलाओगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चाबी लगानी है।
ये हमने चाबी लगाई और जो गियर है उसको न्यूट्रल पे रखना है। ध्यान रखना, चाबी लगाने से पहले इसको न्यूट्रल कर देना है, न्यूट्रल में ही गाड़ी को स्टार्ट करना है। अब हमने चाबी लगाई और ये गाड़ी ऑन की, हमने ये गाड़ी ऑन हो गई। जैसे ही ऑन करोगे तो आपको मीटर में लाइटें दिखना शुरू हो जाएगी। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हम क्लच को दबा देंगे पूरा, ये क्लच है इसको पूरा दबा देंगे, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे। ये हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद क्लच को दबा के ही रखना है और पहला गियर लगाना है। ये देखो ऐसे किया हमने और ये आगे की तरफ किया तो ये पहला गियर लग गया। अभी हम क्या कर रखें, क्लच को दबा रखें और दोनों पे बिल्कुल भी पैर नहीं रख रखें। देखो पैरों की जो स्थिति है वो कैसे रहेगी, ये वाला जो पैर है, ये वाला जो लेफ्ट वाला पैर है, ये केवल क्लच पे काम करेगा और ये जो हमारा राइट वाला पैर है ये एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों को ऐसे चलाएगा, दोनों पे काम करेगा। तो आपको एडी को वहां रखना है कि ये हमारा पैर दोनों तरफ घूमता रहे, ना कि हाफ उठा के इधर दबाओ फिर उठा के इधर दबाओ, ऐसे नहीं, वहीं पे रखना है। इधर से रेस, इधर से ब्रेक और ये क्लच पे रहेगा, कभी भी ये नहीं करना क्लच छोड़ के ब्रेक पे, ये पैर केवल यहाँ रहेगा और ये इन दोनों पे काम करेगा। अब आपने इस क्लच को पूरा दबा दिया और हमने फर्स्ट गियर लगा दिया। ये देखो हमने, ये न्यूट्रल है, इसको फर्स्ट गियर लगा दिया। अब क्या करना है, स्टार्टिंग करते टाइम क्या होता है कि जैसे क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है, तो ये क्यों होती है, क्योंकि एक्सीलेटर को हम ज़्यादा कर देते हैं, क्लच को जल्दी से छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पैर को दूर रखना है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि कोई भी कार हो उसमें लगभग 5% रेस आगे से ही आती है, थोड़ी बहुत रेस आगे से ही कंपनी से आएगी। ये देखो अगर आप मीटर में भी देखेंगे तो लगभग 1000 RPM पहले से ही सेट है, हम रेस को नहीं दबा रहे तब भी ये 1000 पे अटका हुआ है। ये देखो ये जीरो है, ये 1000 2000 3000 ऐसे करके 10000 RPM रहता है। RPM का मतलब होता है कि एक मिनट में गाड़ी कितने राउंड ले रही है, गाड़ी का इंजन कितनी बार घूम रहा है, तो ये 1000 बार घूम रहा है एक मिनट में। तो ये हमें रेस पे पैर रखने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं, ऐसे ही घूम रहा है वो, इसको दबाएंगे तो आगे ठुकने की संभावना रहेगी अगर आप शुरुआत में सीख रहे हैं तो। तो क्या करेंगे, हम इस क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे और रेस को बिल्कुल दबाना ही नहीं है। जैसे ही आप धीरे धीरे इसको छोड़ोगे, धीरे धीरे जैसे छोड़ोगे, गाड़ी अपने आप ही आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। हमने इस क्लच को धीरे धीरे छोड़ा, गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप स्टार्टिंग में सीखोगे तो क्या करोगे, खाली जगह का ध्यान रखना है, ऐसे खाली एरिया में गाड़ी चलानी है जहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक ना हो। तो हम इस क्लच को जैसे जैसे छोड़ेंगे तो गाड़ी हमारी अपने आप ही आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये देखो मैंने छोड़ा, आगे वैसे दीवार है फिर भी बता देता हूँ, मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, तेज छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगी, धीरे धीरे छोड़ेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो गई। देखो आपको शायद नहीं दिख रही होगी, गाड़ी आगे बढ़ रही है, ये गाड़ी हमारी आगे जाने लग गई है, देखो है ना। तो क्या करोगे, ये क्लच को छोड़ के और आप लगभग 100 मीटर तक ऐसे ही चलाओगे, ना ही तो आप रेस को दबाना है, हाँ कोई सामने आ जाए तो केवल ब्रेक को दबा देना है, रेस से आपको बचना है। शुरुआत के लगभग आधे घंटे तक आपको फर्स्ट गियर में चलाना है और क्लच से ही काम करना है, क्लच को दबाते ही रुक जाएगी, क्लच को दबाते ही आगे बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि उसमें एक्सीलेटर तो आगे से कंपनी से ही थोड़ा बहुत आया है, तो रेस को हम बिल्कुल नहीं दबाएंगे। तो शुरुआत में ये प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर क्या करोगे, आप एक्सीलेटर को दबाओगे और सेकेंड गियर लगाओगे, ये सेकेंड गियर लग गया, फिर से एक्सीलेटर को धीरे 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 रिलीज करोगे, छोड़ोगे तो गाड़ी आगे चलना शुरू हो जाएगी। सामने कोई भी आएगा ब्रेक दबा देंगे, बाकी एक्सीलेटर से चलाते रहेंगे। जब आपको थोड़ा बहुत अनुभव हो जाएगा कि हाँ मैं ठीक ठाक चला रहा हूँ, उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी रेस दबाना शुरू करेंगे। रेस भी आपको इतनी दबानी है कि हमारे जो किलोमीटर है ये 20 या 30 तक जाए, इससे आगे नहीं जाए। शुरुआत के टाइम में आपको इतना ही चलाना है गाड़ी को, तेज स्पीड में बिल्कुल नहीं चलाना और आराम से चलाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रेस को आप शुरुआत में टच नहीं करोगे, आराम से ऐसे ही चलाओगे। दोस्तों चौथा पॉइंट है, ये जो गाड़ी के कंट्रोल है इनके बारे में पता करना। जैसे कि ये वाला है, इससे क्या होती है, हेडलाइट जलेगी, जब हम इसको आगे घुमा देंगे तो हेडलाइट जल जाएगी और
ऊपर नीचे करने से गाड़ी में इंडिकेटर आ जाएंगे। ऊपर करोगे तो लेफ्ट वाला, नीचे करोगे तो राइट वाला इंडिकेटर जलेगा। इधर का देखेंगे तो ये वाइपर के कंट्रोल है, इससे हम ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा, गाड़ी का जो ग्लास है वो देखो साफ हो जाएगा, है ना। ये है, उसके बाद ये एसी के कंट्रोल है। वैसे आप सीख जाओगे ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे इससे एसी चलता है, यहाँ से ये हीटर चलता है। अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग सिस्टम होता है थोड़ा बहुत, पर आप नॉर्मली सीख जाओगे अच्छे से। इसको इधर करेंगे तो अंदर ही अंदर की एसी को ठंडा करेगा, और इधर करेंगे तो बाहर की हवा को लेके ठंडा करेगा। तो ये कुछ कंट्रोल्स हैं ये सब। ये स्पीडोमीटर है, इसमें किलोमीटर बताता है और एक तरफ आरपीएम बताता है। अगर गाड़ी ज़्यादा हीट देती है तो ये यहाँ पे पहुँच जाता है कांटा। और अलग अलग गाड़ी में अलग अलग सिस्टम होता है, पर आपको देखने से समझ में आ जाएगा। ये फ्यूल का है, इस फ्यूल इसमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी में कितना पेट्रोल डीजल है। इसके अलावा साइड ग्लास का आपको पूरा ध्यान रखना है, कहाँ पर सेट करना है। देखो इस जगह पर सेट करना है कि हमारी गाड़ी का जो पीछे का डोर हैंडल है वो दिख जाए, बाकी पूरी रोड दिखनी चाहिए ऐसे, है ना। और दूसरी तरफ भी ऐसे ही है, गाड़ी का डोर हैंडल दिख जाए और बाकी पूरी रोड ऐसे दिखे, ऐसी जगह पे इसको सेट करना है। और दोस्तों ये बीच वाला ग्लास है, इसको ऐसी जगह पे सेट करना है कि पीछे की विंडो हमें पूरा ग्लास दिखे और पीछे का व्यू अच्छे से आ जाए। इस जगह पे आपको ये सेट करके रखना है। और लास्ट एंड फाइनल, कई बार क्या प्रॉब्लम होती है, हम सोचते हैं कि यार हमें आगे का बोनट तो दिख ही नहीं रहा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि गाड़ी को कितनी दूरी पे रोकना है। तो दोस्तों जब आपके आगे जो भी कार है, गाड़ी है, उसकी नंबर प्लेट जब तक आपको दिख रही है तब तक ठीक है। अगर नंबर प्लेट दिखना बंद हो गई तो आप वहीं पे गाड़ी को रोक दोगे, उससे आपकी गाड़ी में, दोनों गाड़ियों में लगभग 5 से 7 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। शुरुआत में आपको इतना ही डिस्टेंस रखना है, बाद में आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो जो भी मैंने रूल्स बताए उन रूल्स को ध्यान रख के और खाली एरिए में आराम से गाड़ी चलाना सीखना है आपको। एक्सीलेटर को ज़्यादा नहीं दबाना है शुरुआत में, गियर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ORVM, साइड ग्लास सबको अच्छे से पहले चेक कर लेना है आराम से बंद गाड़ी में, तो आपको सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आप अकेले ही कार चलाना सीख सकते हैं। जब तक आपके साथ कोई दूसरा बंदा बैठा रहेगा तब तक आपको हमेशा डर लगता रहेगा। जब तक आप खुद से गाड़ी चलाना नहीं सीखोगे तब तक आप गाड़ी चलाना नहीं सीख पाओगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको लाइक जरूर करें वीडियो को और शेयर जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।